10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर वन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है is द एज ऑफ revolutions from 1830 to टू 1830 फोर्टी से 1848 जो टाइम था बेसिकली रेवल्यूशन्स का एज था अब इस टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई हमने देखा कि फ्रांस में नेपोलियन की हार के बाद वापस जो है कंजरवेटिव रिजाइम वो आ चुकी है और बॉर्बन डाइनेस्टी को वापस रूलिंग दे दी गई थी तो यहाँ पर आगे बढ़ते हम एस कंजर्वेटिव रिजाइम्स स्ट्राइक टू कंसोलिडेट देयर पार लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन इन मेनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स द प्रोवेंसेज ऑफ़ द ऑटोमन एम्पायर आयरलैंड एंड पोलैंड अब एक तरफ तो वापस से कंजर्वेटिव रिजाइम जो है वो अपना पावर होल्ड कर चुकी है और दूसरी तरफ लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग जो है अभी भी आगे बढ़ रही है रिवोल्ट बहुत सी जगह यूरोप में देखने को मिल रहे हैं जैसे इटली है जर्मनी है या ऑटोमन एम्पायर आयरलैंड पोलेंड सब जगह दीज वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट यहाँ भी इनको लीड करने वाले लिबरल नेशनलिस्ट हैं जिनमें आपके मिडिल क्लास लाइक पढ़े लिखे मडल क्लास के लोग हैं प्रोफेसर स्कूल टीचर्स मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस तो सबसे पहला आप सबसे पहले जो क्रांति वापस से स्टार्ट हुई थी टू प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई एटीन थर्टी तो वापस से ही अपराइजिंग जुलाई जो है फ्रांस से शुरू हुई द बॉर्कोन द बॉर्बन किंग्सोर्ड टू पार ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन फिफ्टीन अठारह सौ पंद्रह के बाद

वेन फ्रांसनीजेज अब यहाँ पे ड्यूक मेटर्निक जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया था फ्रांस को लेकर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है वेन फ्रांसनीजेज मेटर्निक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड कि अगर फ्रांस छींक भी मारेगा तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाएगा जुकाम हो जाएगा यानी इसका मेटर्निक का कहने का मतलब ये था कि फ्रांस में कुछ भी होगा तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा तो हमें फ्रांस को कंट्रोल में रखना है द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्ड एंड अपराइजिंग इन ब्रूसल्स विच लेट टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड तो जुलाई का जो रेवोल्यूशन था उसकी वजह से ब्रूसल्स जो कि बेल्जियम का पार्ट था विच लेट टू टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे वो आ, अब यहाँ से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होने लगा अब इसी के साथ हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थ्री मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है तो उसको ध्यान से आपको लर्न करना है एंड इवन दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एडुकेटेड मिटल अलाइड अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो ये भी काफी इंस्पायरिंग था नेशनलिस्ट के लिए ग्रीस हैज बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंह द फिफ्टीन सेंचुरी ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर बेसिकली टर्की की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे मुस्लिम रिलीजियस हेड जो हैं खलीफा वो रूल कर रहे थे अब ग्रीस का कल्चर अलग है एंड इस्लाम कल्चर इज डिफरेंट द ग्रोथ ऑफ़ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगज द ग्रीक विच बिगेन ग्रीक विच बिगेन ट्वेंटी तो 1821 से ये क्रांति इनकी शुरू हुई है अपने इंडिपेंडेंस के लिए नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु वे हैड सिंपथीज फॉर एंशियन ग्रीक कल्चर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि सबसे पहले जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी वो ग्रीस एथिन से शुरू हुई थी तो यहाँ पे ग्रीक के जो लोग थे उनको सपोर्ट करने वाले जिन लोगों को यहाँ से कभी देश निकाला दे दिया गया था वो लोग थे उसके अलावा काफ़ी सारी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी थी जो कि पुराने ग्रीक कल्चर को लेकर सिंपथी रख

नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप युद्ध में जाएं या अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने में हेल्प करें आपका कल्चर जो है वो भी आपके नेशनलिस्ट के जो आइडियाज़ हैं उनको स्प्रेड करने में उसको डेवलप करने में हेल्प कर सकता है जैसे आपकी आर्ट है पोइट्री स्टोरीज म्यूजिक ये सारी चीज़ें भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को शेप करने में मदद करती हैं एक्सप्रेस करने में हेल्प करती हैं लेटेस्ट लुक एट रोमांटिसिज्म अब ये बेसिकली रोमांटिसिज्म है क्या इट्स नॉट बेसिकली रोमांस बिटवीन अ गर्ल और अ बॉय मेल और अ फीमेल इट इज समथिंग डिफरेंट ये एक एरा था इंग्लिश लिटरेचर में पूरा जिस टाइम पर इस फीलिंग को लेकर मिस्टिकल फीलिंग्स जो आपकी इंट्यूशन होती है उसको लेकर काफ़ी सारी रचनाएँ की गई थी तो रोमांटिसिजम क्या है अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट ये एक कल्चरल मोवमेंट है जो कि एक डिफरेंट तरह के नेशनल को डेवलप करता है उनको फॉर्म करता है रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स थे बेसिकली रीजनिंग और साइंस में वो बिलीव नहीं करते थे राधा दे बिलीव ऑन इमोशंस इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स बल्कि वो इमोशंस पे ज़्यादा स्ट्रेस करते थे कि आपके अंदर जो चल रहा है आपकी जो भावनाएं हैं आपकी जो इंट्यूशन है आपकी जो सोच है उस पर आप ध्यान दो जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि इसने छींक मार दी काम बिगड़ जाएगा या बिल्ली रास्ता काट गई तो अगर आपको लगता है ऐसा तो डेफिनेटली आप उस पर बिलीव करो इसमें साइंस और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर कलेक्टिव हेरिटेज इनका बेसिकली मकसद यही था कि लोगों को कलेक्टिव किया जाए अपने पास्ट को लेकर जोड़ा जाए एक कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन अब अदर रोमांटिक सचे जॉन जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉडफ्राइड हर्डर अब ऐसे ऐसे ही एक जर्मन फिलासफर थे जॉन गॉडफ्राइड हर्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल इनका मानना था कि एक प्रॉपर जो जर्मन कल्चर है उसको तो लोगों के बीच में डिस्कवर करने की जरूरत है जो आम जनता है आम जनता यानी दास वो जर्मन लैंग्वेज में वॉज थ्रू और कैसे होगा ये फोक सॉन्ग्स फोक पोइट्री फोक डांसेस के जरिए क्योंकि ट्रू स्पिरिट जो नेशन की है वो यहीं से मिलती है और इसी के जरिए हम उसको पॉपुलराइज कर सकते हैं जो हमारा ट्रू कल्चर होता है बेसिकली हमारे फोक कल्चर में ही हमको मिलता है सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज असेंशियल टू प्रोजेक्ट टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग इसी लिए अगर आपको नेशन बिल्डिंग करना है तो आपको ये चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी इसी के ज़रिए लोगों को समझाना पड़ेगा तो उन्होंने स्ट्रेस करा वर्नाकुलर लैंग्वेज पे यानी जो लोकल लैंग्वेज लोगों की आम बोलचाल की भाषा उस पर एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोक और लोकल जो फोक टेल्स थी उनको कलेक्ट करा वापस से एक एंशियन नेशनल स्पिरिट को डेवलप करने के लिए बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हुआ मोस्टली इलिटरेट और इसके जरिए काफ़ी सारी जो लिटरेट आबादी है उसको उसको भी आप मैसेज दे सकते हो नेशनलिस्ट का दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड तो यहाँ पर पोलैंड का एग्जाम्पल दे रखा है अगेन काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना विच हैड बीन पार्टिस्टेंट एट द एंड ऑफ द एटीन सेंचुरी बाई ग्रेट पावर्स जो ग्रेट पावर्स यूरोपियन पावर रशिया प्रूशिया ऑस्ट्रिया उनकी वजह से पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था एटीन सेंचुरी के एंड में Even though Poland no longer existed as an independent territory, नेशनल feelings were kept alive. हालांकि अभी इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं बचा था पोलैंड लेकिन फिर भी जो नेशनल फीलिंग्स थी वो म्यूज़िक और लैंग्वेज के जरिए अभी भी अलाइव थी कैरोल्पनिस के एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं एक सिंगर थे ओपरा सिंगर इन्होंने नेशनलिस्ट स्ट्रगल की जो फीलिंग्स थी उसको अपने ओपरा और म्यूज़िक के आगे बढ़ाया यहाँ के जो फोक डांसेस थे पोलोनेस और मज़ुरगा इनको नेशनल सिम्बल्स के तौर पर यूज़ करा अब लैंग्वेज किस तरह से नेशनलिस्ट uh, सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है ये थ्री मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन हाउ लैंग्वेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स या लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटीमेंट्स एक्सप्लेन तो आपको पोलैंड का एग्जाम्पल देख के थ्री मार्क्स में इसको समझाना है समझ लिए आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन रशिया के रूल के बाद जो पोलिश लैंग्वेज थी यानी जो पोलैंड की लैंग्वेज थी उसको स्कूल्स से निकाल दिया गया और रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई कि आपको अब इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है 1831 में एक आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल उसकी उसने लिया लेकिन अल्टीमेटली रशिया ने इसको दबा दिया फॉलोइंग दिस इसके बाद मेनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी इन पोलेंड जो क्लर्जीज थे काफ़ी सारे पोलेंड के अंदर इन्होंने क्या करा पोलिश लैंग्वेज को चर्च गैदरिंग्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में सब जगह इसको यूज करा यानी लैंग्वेज को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कराए नेशनल रेस्टेंस के लिए एज अ रिजल्ट काफ़ी सारे जो प्रीस्ट थे बिशप्स थे उनको जेल में डाल दिया गया या उनको साइबेरिया भेज दिया जो कि रशियन अथॉरिटीज के पास में थे तो पनिशमेंट के तौर पे प्रीस्ट को या तो उधर भेज दिया या जेल में डाल दिया क्योंकि इन्होंने रशियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से मना किया था तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस तो एक लैंग्वेज भी डोमिनेंस के खिलाफ किसी डोमिनेंस के ख़िलाफ़ यूज़ की जा सकती है